बहराइच एनकाउंटर पर हो रही सियासत। क्यों गोली चला दी पुलिस के ऊपर? हम लोग भागने जा रहे थे कि फायर करके गलत है ना, अपराध करो फिर दूसरी अपराध कर रहे हो। गलती हो गई। सीएम योगी पर फायर हुए ओवैसी। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री से कि आपकी ठोक दो की पॉलिसी संविधान के खिलाफ है। वारिस पठान ने एनकाउंटर पर उठाए सवाल। देश संविधान से चलेगा, कायदे कानून से चलेगा, रूल ऑफ लॉ से चलेगा, योगी की ठोक डालूंगा वाली पॉलिसी से नहीं चलेगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की जो ठोक दो की पॉलिसी चल रही है पिछले कई सालों से, वो उसी का एक एग्जाम्पल है। और हम बार बार कह रहे हैं बीजेपी से, प्रधानमंत्री से और उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री से कि आपकी ठोक दो की पॉलिसी संविधान के खिलाफ है। आप उत्तर प्रदेश को चलाइए संविधान से, रूल ऑफ लॉ से चलाइए, रूल बाय गन से मत चलाइए। क्योंकि एक बार अगर कोई गलत चीज़ का आप आगाज कर देंगे तो वो गलती चलते रहेगी और कोई भी किसी को उठाकर गोली मार देगा। अब आप हमको ये बताइए कि अगर उन दो लड़कों की बहन वो वीडियो जारी नहीं करती कि मेरे दोनों भाई को और एक परिवार के शख्स को सुबह 4 बजे पुलिस आकर उठाकर लेकर गई तो क्या होता था अभी तक? और दूसरा है कि पुलिस को ये बताना चाहिए था कि उनको अरेस्ट बताना चाहिए था, अरेस्ट भी नहीं बताए। और फिर जहां पर हादसा हुआ और उससे 70 किलोमीटर दूर ले जाकर उनके हथियार छुपाता है अपना, और फिर जहां पर ये एनकाउंटर होता है वो कितनी दूर है उस हथियार दस्तियाब करने की जगह से, तो ये सरासर गलत है। ये एक संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। और आज तक क्या किसी ने देखा ऐसा वीडियो कि आप जिस पर गोलियां चला रहे हैं उनसे सवाल किया जा रहा है कि तुमने ऐसा क्यों किया, और वो जिसके पैर में गोली लगी वो कह रहा है कि हाँ सर हमसे गलती हो गई, हम दोबारा नहीं करेंगे। तो ये ऐसा दिख रहा था कि कोई नेटफ्लिक्स पर कोई पिक्चर चल रहा है। यानी जो भी स्क्रिप्ट राइटर है उसको तो अपनी नौकरी छोड़कर, तो सरकार को छोड़कर उसको जाना चाहिए नेटफ्लिक्स में, उसको बहुत पैसे मिल जाएंगे। और दूसरा ये कि हम तो स्पोर्ट्स मंत्री से अपील करेंगे कि जो निशाने पे मार रहे हैं, 200 एनकाउंटर ऐसे निशाने पे मारे हैं, इनको ओलंपिक भी जाइए, भारत को गोल्ड मेडल सिल्वर मेडल ला लेंगे। एक मजाक बना के रख दिए। अच्छा बहरेज में जो बाद में जो हिंसा हुई, दुकानें जलाई गई, अस्पताल जलाया गया, शोरूम जलाया गया, आपने कितनों गिरफ्तार किया? ये आप रिवेंज की जो सियासत राजनीति कर रहे हैं इससे किसी का फायदा होने वाला नहीं है। गोपाल मिश्रा की यकीन हत्या हुई है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, मगर आप ले जाकर गोली मार देंगे। अरे भाई अगर प्रूफ है तो सजा दिलवाइए ना। कोर्ट किस लिए है, BNS किस लिए है, ये सब किस लिए बनाया गया है? अगर आप ही खुद जज बन जाएंगे, आप ही खुद फैसला सुनाएंगे, एग्जीक्यूशनर बनेंगे, तो फिर कोर्ट की, संविधान की, कानून की जरूरत ही नहीं है। ये तो बहुत गलत हो रहा है और ये एक तरफा और हेटरेट बताई जा रही है एक समुदाय के खिलाफ। देश संविधान से चलेगा, कायदे कानून से चलेगा, रूल ऑफ लॉ से चलेगा, योगी की ठोक डालूंगा वाली पॉलिसी से नहीं चलेगा। ये प्योर असंवैधानिक है, जिसका नतीजा देखिए क्या हुआ। आज उत्तर प्रदेश के अंदर फिर दूजन का एनकाउंटर, दूजन के पैर में गोली मार दी। अब यही आशंका जताई थी कल, जो वीडियो वायरल है सब तरफ, जो रुखसार नाम की एक महिला है जो सरफराज की बहन है, उसने वीडियो निकाला, उसमें उसने कहा है कि 4:30 बजे यूपी की SDF हमारे घर आई, वहां से मेरे पिता अब्दुल हमीद साहब को, मेरे भाई सरफराज को और फहीम को उठा के ले गई। अब उनको कहां ले गई, किधर ले गई, किसकी कस्टडी में वो है, किस हाल में, कुछ किसी को पता नहीं है। उन्होंने रिक्वेस्ट किया देश के प्रधानमंत्री को, योगी आदित्यनाथ जी को, कि भाई आप इंश्योर करिए कि इनके हत्या ना हो जाए, हमको डर लग रहा है कि कुछ इनके साथ गलत हो सकता है। और अब ये हो गया तो किस दिशा में हम देश को लेके जाना चाहते हैं? अब देखिए एक बात, जो किसी को कायदा कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। अगर किसी ने गोली मारी है राम गोपाल मिश्रा को, गलत है, कायदा है, कानून है, कोर्ट कचहरी, उसको आप वहां पर ले जाइए, जो सजा देना है कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। मगर इसका मतलब ये नहीं कि आप कायदे कानून का पालन नहीं करें, अपने हाथ में ले लें कायदे को। अब उनका आप क्या करेंगे, जो रस्ते पे निकल गए थे डंडा लेकर, लोगों की दुकानों को जला दिया, मकानों को जला दिया, वो भी तो दंगाई थे।
उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की उत्तर प्रदेश की सरकार ने, क्या उनका भी इसी तरह से पैरों में गोली मारी जाएगी, क्या किया जाएगा उनके साथ। मतलब ये देखा यह जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था तो एकदम खत्म हो चुकी है, जंगल राज चल गया। जहां पर पुलिस की हिरासत में अतीक अहमद सेफ नहीं, उनको गोली मार के चले जाते हैं, तो किस दिशा में ले जाएंगे? तो हम तो यही सवाल करेंगे कि ये सब चीज जो एनकाउंटर वगैरह ये नहीं होना चाहिए, सबको कायदे कानून का पालन करना चाहिए। वरना तो एक दिन आएगा कोर्ट कचहरी सब बंद कर दो, वकीलों को अपने घर पे भेज दो, जो भी पकड़ाया उसको पकड़ के लाइए, उठा के सीधा ठोक डालो, खत्म कर दो किस्से को वहीं पर। ये तो जंगल राज है, बनाना रिपब्लिक है क्या? इसलिए मेरा बोलना है कि देश को संविधान से चलना है और संविधान का पालन सबको करना पड़ेगा।